दोस्तों अभी तक हम लोग न्यूज़ सुनते थे कि जो है लोग एयरटेल को छोड़ रहे हैं, आइडिया को छोड़ रहे हैं या रिलायंस जियो को छोड़ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है इनके महंगे प्लान हो चुके हैं और इसलिए लोग जो है यहाँ पर रिलायंस जियो को या BSNL को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस समय जो हालत है वो इससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के लिए अब और भी ज़्यादा मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो गई। जी हाँ दोस्तों, दोनों कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो गई है। तो क्या कुछ न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही वोडाफोन आइडिया की तरफ से, आज सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन आता है उसको भी आप लोग जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। आप लोगों को पता है इस समय जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री है दोस्तों, वो बहुत ही बेकार सिचुएशन से गुजर रही है, क्योंकि अभी जो है इन्होंने अपने प्लान भी यहाँ पर जो है बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद इन्हें जो है यहाँ पर जो AGR वाला फाइन है दोस्तों वो भी यहाँ पर पे करना है, और अभी भी जो इनके प्लान है दोस्तों वो भी काफ़ी सस्ते हैं। यानी कि जो पहले ये 2016 से पहले जो प्लान दे रहे थे उससे अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी काफ़ी सस्ते प्लान ये सभी ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में रिलायंस जो है 2016 के बाद में, और उस समय आपको जो काफ़ी सस्ते प्लान जो है रिलायंस जियो ने दिए, उसके बाद सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान लेकर आए। लेकिन इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी कि आपको तो यहाँ पर फ़ायदा हुआ कि आपको सस्ते प्लान यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जो हालत है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इस समय सिचुएशन यहाँ पर ये चल रही है कि लोग जो है जियो की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और BSNL की तरफ भी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की तरफ से तो पहले भी कहा गया था कि अगर यही सिचुएशन रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिलीफ नहीं देती उन्हें, तो वो अपनी कंपनी जो है इंडिया में बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर खुद जो एम्प्लॉई हैं वोडाफोन आइडिया के या एयरटेल के, वो अपनी कंपनी को छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, करीबन जो है पिछले कुछ दिनों में वोडाफोन आइडिया से 7000 ऐसे एम्प्लॉई जो अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, और 5000 ऐसे लोग हैं जो एयरटेल से अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। और करीबन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 70% जो एम्प्लॉई हैं वोडाफोन आइडिया के, वो अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपना फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो वोडाफोन आइडिया कंपनी वो कभी भी बंद हो सकती है, या उनकी सैलरी जो है कभी भी रुक सकती है, और उन्हें कभी भी जॉब से जो है हटाया जा सकता है। और करीबन जो है 30% एयरटेल के ऐसे एम्प्लॉय जो यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो अपनी जॉब यहाँ पर छोड़ दे और किसी नई जॉब को ज्वाइन कर ले। यानी कि अब जो खुद एम्प्लॉय हैं एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि उनका फ्यूचर यहाँ पर स्टोर है, उन्हें जो है यहाँ पर अपनी जॉब की गारंटी नहीं है, इसलिए वो जो है वोडाफोन आइडिया को वो छोड़ रहे हैं। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कंपनी उन्हें बोल रही है, यानी कि जो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन है वो उन्हें बोल रहे हैं कि वो 40% तक की जो पेमेंट है वो यहाँ पर उन्हें ज़्यादा देंगे, यानी कि उनकी पेमेंट इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन दोस्तों वो लोग फिर भी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, चाहे उन्हें 10% वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा पेमेंट मिले। यानी कि आप खुद एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के एम्प्लॉय अपनी कंपनी को छोड़ रहे हैं, यानी कि फ्यूचर यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया एयरटेल का बहुत ही जो है अंधकार में मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है। वैसे यार जितने ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर रहेंगे इंडिया में काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन उतना ही ज़्यादा रहेगा, उतने अच्छे हमें प्लान मिलेंगे। तो देखते हैं कि यार कुछ हालत यहाँ पर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की सुधर पाती है या नहीं सुधर पाती। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना।